वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आपकी खिदमत में क्या पेश किया जाए? यार आप लोगों ने गार्नियर वगैरह के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, फ्लोरियल पैरा सब कुछ पड़ा हुआ, या आप लोग इसका बायकॉट नहीं कर रहे? आपके और मेरे सिर्फ दो बंदों के बायकॉट करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी दुनिया है और हम दो बंदे बायकॉट करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, उन लोगों ने ना हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरमती की है, अल्लाह माफ करे, नऊज़ु बिल्लाह। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ये हम लोगों को जो है ना मिलके बायकॉट करना पड़ेगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी में ये हुआ था कि सलामुअलैकुम सर। सलामुअलैकुम, कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे ऊपर अच्छी लगेगी? वी आर एक्सट्रीमली सॉरी सर, लेकिन हम लोग बदसूरत लोगों के लिए कपड़े बना रहे हैं। क्या मतलब? जी आपने हमें सही सुना, आप बदसूरत हैं और हम आप जैसे लोगों के लिए कपड़े बिल्कुल भी नहीं बनाते, तो बेहतर होगा कि आप हमारी दुकान से निकल जाएं। इतनी बदतमीजी की बात है, यू आर सो रूड। क्या हुआ मेरे भाई, इतना उदास क्यों बैठा हुआ? क्या बताऊँ यार, वो उस दुकान पर गया था, उन लोगों ने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मूंगा निशान का जो है ना मजाक बनाया बहुत ज़्यादा। अच्छा, उन्होंने ये कहा? रुक जा, मैं सोशल मीडिया पे बात फैलाता हूँ, अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि वहाँ से कोई चीज़ ना खरीदें, उनका बायकॉट करते हैं, देखना उनको कैसे समझ आता, देखना उनकी अकल ठिकाने आती है। यार आज एक साल हो गया उस बात को, लेकिन उसके बाद से एक भी दफ़ा भी बंदा कपड़े खरीदने नहीं आया। इन लोगों ने कैसा बायकॉट किया, लगता है अब ये दुकान बंद ही करनी पड़ेगी। तो अभी भी देख लें यूनिटी कितना ज़्यादा मैटर करती है। अमेरिका में भी जो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला सीन हुआ था, उसमें उन लोगों ने फेयर एंड लवली का नाम ग्लो एंड लवली करवा दिया, और दुनिया में 2.5 अरब मुसलमान हैं। अगर वो 2.5 अरब मुसलमान किसी एक चीज़ को बायकॉट करने पर आ जाए ना, तो वो दुनिया की इकोनॉमी हिला दें। तो ईच एंड एवरी पेनी काउंट्स, और बूम बूम से ही दरिया बनता है। आप और मैं मिलकर अगर ये कोशिश करेंगे ना, तो पूरी दुनिया में अगर हम लोग इस चीज़ का बायकॉट करें तो मेरे ख्याल से ना फ्रांस भी बंद हो जाएगा, जितने मुसलमान पूरी दुनिया में। बहरहाल एक यार लू का बिस्किट दे देना, मुझे पसंद है। खान साहब, लू का बिस्किट भी फ्रेंच ही है यार, ये ना आधा पाकिस्तानी और आधा अमेरिकन है, तो इसको बायकॉट करने से कुछ नहीं होगा। तो ये जो कहानी अभी आपने देखी है, ये रियल वाकये पे बेस्ड है। अमेरिका का ये ब्रांड था जिसको लोगों ने बॉयकॉट करके एक साल के अंदर बंद करवा दिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि फ्रांस ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो हमें भी इसके खिलाफ कुछ कदम उठाना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, हिस्ट्री में भी कितने मुल्कों ने, कितने ज़्यादा लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, और यही रहा है कि मुसलमान कभी यूनाइट नहीं हुए। तो इस बार मैं ये चाहूँगा कि आप और मैं मिल के एक कदम उठाते हैं, फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करते हैं, और सोशल मीडिया पे #WhyBoycottFrance का # यूज़ करें हर जगह, और मुझे टैग कर देना। ये # इसलिए है ताकि हम लोग मुस्लिम उम्मा को यूनाइट करें। एक दफ़ा मुस्लिम उम्मा यूनाइट होगी ना, तो उसके बाद किसी # की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब नॉन मुस्लिम एक चीज़ पर इत्तेफाक कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और उनको ये दिखाते हैं कि मुसलमान भी एक हो सकते हैं, और हम लोग अगर एक हो गए तो 2.5 अरब अवाम पूरी दुनिया पे तहलका मचा सकती है। मजीद मुसलमान होने के नाते हम लोगों को खुद पहला कदम उठाना चाहिए, किसी और पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि हमारे दीन में ही एक अजीम मिसाल इस तरह की है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, तो एक अबाबील उनकी आग बुझाने के लिए अपनी छोटी सी चोंच में थोड़ा सा पानी लेके गया, सिर्फ इस वजह से कि आप तक उससे सवाल होगा कि वो आग बुझाने वालों में से था या आग लगाने वालों में से। तो मेरे भाई और बहनों, इस पर पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, तो इस आग को बुझाने में मेरी मदद करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो दूसरों में भी शेयर करें, और लोगों को भी ये पैगाम दें कि हम लोगों को उनके खिलाफ कुछ कदम उठाना चाहिए।